नहीं मेरा पॉलिटिक्स नहीं नहीं मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत आए एटलीस्ट उसको 5 साल देने चाहिए और उसी 5 साल की परफॉर्मेंस पे ही आवाम के पास जाके वोट के लिए जाना चाहिए। मेरे ख्याल में देखिए कानून जो है वो एक छोटे आदमी के लिए भी है और बड़ा सा बड़ा ताकतवर आदमी उसके लिए भी सेम कानून होने चाहिए। अपनी मर्जी से कानून बनाना, अपनी मर्जी से कानून को तोड़ना ये समझ नहीं है। अगर हम देखा जाए तो इस वक्त मेरे ख्याल में 130वें नंबर पे हैं हमारे मुसलमान, जो नॉन मुस्लिम थे, जो नॉन मुस्लिम थे वो मुसलमान इसलिए हुए क्योंकि उन्हें मुसलमानों का इंसाफ का तरीका पसंद आया। आज हमारी जुडिशरी जो है वो दुनिया में 130वें नंबर पे, हमारा इंसाफ का लेवल किधर खड़ा है ये सोचने की बात है। और एक शहर के अंदर क्रिकेट एक्टिविटी बहाल है, बहुत ज्यादा लोग आए हैं, किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल में हमारे कराची की जो रौनक थी वो रमजान क्रिकेट थी और जो कि बीच में बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन आरिफ भाई की जो क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के ऊपर जो एहसान है तो पूरे क्रिकेटर्स कम्युनिटी की तरफ से मैं आरिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इतना खूबसूरत ग्राउंड, इतनी ज़बरदस्त पिच, मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तानी मैचेस जो मैं देख रहा था उसमें इतना बाउंस नहीं था जो यहाँ की विकेट में बाउंस था, तो ये मज़ा आ रहा था देखने में। और टीमें सारी पूरे पाकिस्तान से आई हुई हैं और मैं आरिफ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हमारे क्रिकेटर्स के लिए, ये वो चीज़ें जो हमारे क्रिकेटर्स मिस कर रहे थे। अच्छा शायद भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम आई यहाँ पे और हमारे होम ग्राउंड पर दो ट्रॉफी को लेके चले गए, हम लोग नहीं चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा फोकस है एज अ टीम, हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे, टेस्ट सीरीज भी वो लोग जीत गए, T20 भी जीत गए, सिर्फ वनडे हम जीते। देखें एटलीस्ट चले वनडे जीत गए हम, अच्छी बात है, हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे खेले हैं लड़के, फाइट करते हुए नज़र आए, कुछ हद एरियाज़ हैं जिन पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आप जब होम सीरीज़ कराते हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, फिर आपको ऐसे ट्रैक्स बनाने चाहिए जिसमें हमारे स्पिनर्स आउट कर सकें, इसलिए कि फास्ट बॉलिंग आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐसे पिचेस नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स को भी देखना होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप वो बैटिंग लाइनअप नहीं है, अब बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, हमारे तकरीबन 6-7 तक ऐसे बैट्समैन हैं जो टीम हमें जितवा सकती है। पहले ये था कि बॉलर जितवाया करते थे, लेकिन हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं कि पाकिस्तान टीम को बैट्समैन जितवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तगड़ी क्रिकेट और तगड़ी पिचेस बनानी लाजमी है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कोचिंग, हिटिंग जो है वो डिफरेंट एक जॉब है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अभी अगर मैं बात करूँ इफ्तिखार की, खुश दिल की, आसिफ की, ये वो तीन प्लेयर्स हैं कि इन तीन प्लेयर्स में अगर आपको कोई भी एक प्लेयर चल देता है तो वो मैच आपको चेंज करके दे सकता है, तो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, आई नो कि अभी उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया जो करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तीन लड़कों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। लाला क्या सियासत में आने का कोई है? नहीं, मेरा अभी तक कोई प्लान नहीं है। रमजान का महीना है, वेलफेयर के लिए कुछ बता दीजिए, फाउंडेशन कुछ कर रही है? फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, पानी के प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, अब हम हेल्थ हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं कि लोग बेचारे जो दूर दूर से शहर नहीं आ सकते इलाज के लिए, अब हम खुद जो हमारी मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल है वो उनके पास खुद जाती है।